हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के प्रॉपर सिलेबस के बारे में। कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का इंटरनल, कितने नंबर का सेशनल, कितना प्रैक्टिकल, ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरनल सेशनल इन सब को लेकर दो फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है, उन सब कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो के अंदर दूर कर देंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा अब्लिक यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में हम सिलेबस, ये हम यूपी बीटीई का सिलेबस लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो लगभग हर जगह का सिलेबस यही होता है, लेकिन ये खास करके यूपी बीटीई का ही सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। ये आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखने को मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में आपको जो इंटरनल असेसमेंट है वो टोटल 30 नंबर का मिलता है, थ्योरेटिकल 20, प्रैक्टिकल 30 और थ्योरी 50। तो यहाँ आपको ओवरऑल 100 नंबर इंटरनल एंड एक्सटर्नल के साथ मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारा पहला सब्जेक्ट होगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, यहाँ पर 20 नंबर प्रैक्टिकल के साथ 50 नंबर थ्योरी, 2.5 घंटे का एग्जाम। तो ओवरऑल आपको यहाँ 130 नंबर मिलते हैं टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पर, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ आपको 130 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं वो है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको 20 नंबर के प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ 20 नंबर प्रैक्टिकल और थ्योरी कितना है 50 नंबर का और 3 घंटे का पेपर, ओवरऑल आपको यहाँ 130 नंबर यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं। किस सब्जेक्ट्स के साथ? इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेटिंग के साथ यहाँ आपको 3 घंटे का पेपर होगा और 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, यहाँ आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल, 50 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का जो पेपर होगा, यहाँ आपको ओवरऑल 70 ही नंबर मिलेंगे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, इन टेबल्स को ध्यान रखिएगा, किस जगह से कहाँ क्या मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल पार्ट नहीं होगा। आगे है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ भी आपको प्रैक्टिकल पार्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में भी इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, तो 50 नंबर का एग्ज़ाम, 2.5 घंटे का पेपर, तो ओवरऑल आपको 70 नंबर ही मिलने वाले हैं। अगला है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा देखने को और 50 नंबर का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको ओवरऑल 100 नंबर यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये आपका होगा, इसका एग्जाम नहीं होगा, यहाँ आपको ओवरऑल 50 नंबर स्कूल से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे है SCA जो कि 30 नंबर हमेशा मिलता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर टोटल 680 का पूर्णांक देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। आपको सिलेबस के बारे में हमने अवगत करा दिया, तो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई ऐसी ही खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।